चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, बाजार बाइट्स के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे ट्रेडिंग के एक ऐसे गुण की, एक ऐसी खासियत की, जो अगर आप में आ जाती है या आप में है तो आप एक आम ट्रेडर से एक खास ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। खास ट्रेडर जो होते हैं, स्पेशल ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर, उनके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत होती है जिसकी आज हम यहाँ पर बात करेंगे और उसके पीछे छुपे हुए साइकोलॉजिकल कारणों की बात करेंगे कि हर आदमी वो क्यों नहीं कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बार आपको फिर याद करा दूं, हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम दिल्ली में होने जा रहा है 22 और 23 सितंबर को, और बेंगलोर में होने जा रहा है 13 और 14 अक्टूबर को। आपकी स्क्रीन के नीचे वेबसाइट का लिंक आ रहा है, उस पर जाकर आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। दिल्ली के लिए जो अर्ली बर्ड ऑफर की डेट है वो है 10 सितंबर और बेंगलोर के लिए है वो है 28 सितंबर। 5,000 रुपये देकर केवल आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, जो भी ये अर्ली बर्ड ऑफर की डेट है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी। ये वो डेट है जब तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। हमारे साथ अक्सर ये होने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि लोग आखिरी डेट तक की वेट करते हैं और उनको सीट नहीं मिलती। हमारे पूना प्रोग्राम में भी ऐसे ही हुआ, सीटें डेट से पहले ही ख़त्म हो गई। तो हमने जब आपके लिए सुविधा खोल रखी है कि आप केवल 5,000 रुपये दे के अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं, तो जो भी मेरे दोस्त आना चाहें वो कम से कम अपनी सीट को लॉक करें, उसके बाद में उनके पास इस डेट तक डिस्काउंट लेने का ऑप्शन रहेगा। तो जो भी मेरे दोस्त आना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी जाएं और अपनी सीट को लॉक करें। तो अब बात कर लेते हैं उस खासियत की, उस खास गुण की, जो एक बहुत ही अच्छे जो ट्रेडर होते हैं उनमें होती है। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में जब कोई भी आदमी उतरता है तो उसको काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल जो बंदिशें होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। मैंने सैकड़ों वीडियो बनाए हैं इस बारे में, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि हमारा दिमाग एक खास तरीके से काम करता है। और ट्रेडिंग क्योंकि हमको करनी होती है, इसलिए हमारी वो दिमाग की जो कुछ चीज़ें हैं, जो आदतें हैं, वो सामने आ जाती हैं। तो जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो बिल्कुल हल्के वाले जो ट्रेडर होते हैं, यानी जो अभी अभी आए हैं, उनको ये समझ में नहीं होती कि हमको लॉस बुक करना होता है, हमको बाहर निकलना होता है। वो होती है पहली कैटेगरी, जो लेती है और बैठ जाती है, सो जाती है, उसके बाद उसे लॉस हो जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसे जाके निकलना पड़ता है। दूसरी कैटेगरी होती है जिसको ये समझ में आ जाता है कि स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज़ होती है और मुझको स्टॉप लॉस पे बाहर निकलना होगा। यानी कि अगर मेरा किसी सौदे में लॉस हो रहा है तो मुझे वो लॉस भुगत के बाहर निकलना है। लेकिन दोस्तों, असली ट्रेडर वो भी नहीं होता। असली ट्रेडर वो होता है जो उस लॉस की पोजीशन को काटने के बाद उसमें इतना कन्विक्शन हो कि वो उस पोजीशन को रिवर्स कर पाए, यानी कि यू टर्न लेने की क्षमता। जिस ट्रेडर के अंदर ये एक गुण आ जाता है या वो समय के साथ ले आता है, वो एक्चुअली परफेक्ट ट्रेडर की कैटेगरी में आता है। यानी कि आपने एक सौदा लिया, उस सौदे में आपने एक स्टॉप लॉस लगाया और जब वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, चाहे ऊपर चाहे नीचे, आप उसके बाद उस सौदे को रिवर्स करने की अगर आपने क्षमता आ जाती है, तो ये वो गुण है जो मैं आपको बता सकता हूँ 1% ट्रेडर में भी नहीं होता। और ये इतनी बड़ी खासियत है, इससे वो ट्रेडर क्या होता है कि उस ट्रेंड का फ़ायदा उठा पाता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या होती है, वो है हमारी साइकोलॉजी। हमारा दिमाग कभी भी अपने आप को इतनी जल्दी से चेंज नहीं कर पाता। जब आपको यू टर्न लेना हो, इसका मतलब आपको अपने पूरे दिमाग
दिमाग की जो कंडीशनिंग है उसको बदलना होगा। आप अगर तेजी की तरफ सोच रहे थे तो अचानक से आपको मंदी की तरफ सोचना होगा। अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं बाजार तो अचानक से आपको ऊपर की तरफ देखना होगा। ये बहुत मुश्किल बात है। आप इतने डिसिप्लिन तो हो सकते हैं कि आप सोच लें कि हाँ मुझसे गलती हो गई और मुझे स्टॉप लॉस पे बाहर निकलना है, लेकिन वो स्टॉप लॉस काटने के बाद पोजीशन को रिवर्स करने के लिए जो मेंटल बैलेंस चाहिए होता है वो हर ट्रेडर में नहीं होता। और इस मार्केट के सबसे परफेक्ट जो ट्रेडर होते हैं उनके अंदर एक ये खासियत आपको ज़रूर मिल जाएगी कि वो सौदे को रिवर्स करना सीख जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं गाड़ी चलाने के अंदर जब हम गाड़ी चलाना सीखते थे तो वो जो ट्रेनर होता था वो हमें सबसे पहले कहता था कि इसका सबसे मुश्किल पार्ट जो है वो यू टर्न सीखना है। आप गाड़ी सीधी चलाना आराम से सीख सकते हो, ब्रेक मारना सीख सकते हो, स्पीड ले सकते हो, आपको लेफ्ट टर्न जाना हो जा सकते हो, आपको राइट जाना हो जा सकते हो, लेकिन गाड़ी चलाने के अंदर भी दोस्तों सबसे मुश्किल पार्ट होता है यू टर्न काटना। यू टर्न काटने के अंदर आपको अपना पूरा फोकस चेंज करना पड़ता है, आपको अपनी पूरी समझ को दूसरी दिशा में लगाना पड़ता है, इसीलिए ये इतना मुश्किल काम है। इस मार्केट के अंदर भी अगर आप यू टर्न करना सीख जाते हैं, अगर आप ये जान जाते हैं, अगर आप में इतनी कन्विक्शन आ जाती है, अगर आप ये मान पाते हैं कि मैंने मार्केट के साथ चलना है, मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं ऊपर जाऊंगा, मार्केट नीचे आएगी तो मैं नीचे आऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सिर्फ वो सोचूंगा जो मुझे भाव बता रहा है, मैं सिर्फ वो करूंगा जो मुझे भाव दिखा रहा है। आप में जब उस लेवल की समझ आ जाती है या आप में उस लेवल का विश्वास भाव के प्रति आ जाता है तभी आप वो कर पाते हैं। इसीलिए मैं इसको कहता हूं ये तीसरी कैटेगरी है, सबसे लास्ट में आती है। पहली कैटेगरी बेवकूफों की तरह काम करती है, दूसरी कैटेगरी में इतनी समझ आ जाती है कि वो लॉस भुगत सके, और तीसरी कैटेगरी में इतनी समझ तो होती है कि वो लॉस भुगते, लेकिन उसमें इतनी समझ भी आ चुकी होती है कि ये लॉस दूसरी साइड में रिकवर किया जा सकता है और प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक बता रहा है मेरे को कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं इसके अंदर क्यों बाय ना करूं, या ये नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं ये क्यों सेल ना करूं। मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूं। अब देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक ये चार्ट है। इस चार्ट के अंदर जिन भी लोगों ने इस पूरे एरिया में बाइंग किया होगा उनका आखिरी स्टॉप लॉस जो है ये लाइन जो आपको दिख रही है ये था। इस लाइन के नीचे जैसे ये स्टॉक निकला तो उनका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। लेकिन दोस्तों अगर इस जगह के ऊपर किसी ऐसे ट्रेडर ने इसको रिवर्स कर लिया होता, यानी जो उसकी बाइंग की पोजीशन थी उसको सेल की पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया होता तो आप देखिए कि उसको कितना बड़ा प्रॉफिट आया। ये एक्चुअली विश्वास की बात है, ये एक्चुअली भाव को मानने की बात है कि आपको लगता है जब मेरा सबसे अच्छा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि इतने बड़े एरिया का जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था वो भी कट सकता है, इसका मतलब ये स्टॉक और ज़्यादा वीक हो सकता है। तो वहाँ पर अगर आप अपनी पोजीशन को रिवर्स करते हैं यानी यू टर्न ले लेते हैं तो आपको फायदा होने की संभावना है। हालांकि स्टॉप लॉस आपको फिर भी रखना होता है और ये भी एक्सपर्ट ट्रेडर जानते हैं। एक दूसरा चार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर आप देखिए ये स्टॉक यहाँ पे खड़ा हुआ था। जिस भी आदमी ने इस जगह के ऊपर अपनी कोई भी सेल की पोजीशन बनाई थी उसके अंदर उसका अल्टीमेट स्टॉप लॉस जो था वो ये एरिया था जो कि निकल गया यहाँ पे। अगर किसी आदमी ने इस एरिया के अंदर स्टॉप लॉस काट दिया होगा, दूसरी कैटेगरी वाला आदमी कि ठीक है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने सेल की पोजीशन बनाई थी, मुझे अभी बाहर निकलना है, लेकिन तीसरी कैटेगरी वाला आदमी वो है जिसने स्टॉप लॉस तो काटा और अपनी पोजीशन को रिवर्स कर दिया, यानी कि
पहले जो सेल की पोजीशन थी उसको बाय की पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया, यू टर्न मार लिया, उस आदमी को आप देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट आया। इसके बाद भी यहाँ पर अगर उसको कुछ लॉस भी हो रहा होगा तो वो लॉस भी रिकवर हुआ और उसके बाद प्रॉफिट भी आया। इसी को मैं कहता हूँ यू टर्न मारना। और ये यू टर्न मारना दोस्तों सबसे मुश्किल काम है इस मार्केट में, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि जो ट्रेडर इस मार्केट में काम कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो अपनी इस स्किल को और इम्प्रूव कर सकें, ये एक काम अगर आपको आ जाता है, आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये वो सबसे बड़ा गुण है जो एक ट्रेडर में होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का ट्रेडर हो चाहे वो लॉन्ग टर्म का ट्रेडर हो। यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। जब आप प्योरली भाव को फॉलो करते हैं, आप सिर्फ देखते हैं कि उसका रेट क्या बोल रहा है, आप में उस समय अगर ये गुण आ जाता है तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में हमने बात की उस ट्रेडर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण की, जो अगर आप सीख जाते हैं तो आप मास्टर ट्रेडर बन जाएंगे, यानी कि आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे जिस कैटेगरी में बहुत ही कम ट्रेडर होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आने वाले दिनों में हम इसी तरह के बेहतरीन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपका ज़रा सा भी फ़ायदा इस वीडियो से हुआ है, इसे दूसरों के साथ में शेयर कीजिए, उनका भी फ़ायदा होगा। बहुत लोग हैं इस मार्केट के अंदर जो आंखें बंद करके काम करते हैं, उनको बहुत लॉस हो जाता है, कईयों के घर बर्बाद हो जाते हैं। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया था और आपको ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए यहाँ पर देता हूँ कि इस मार्केट में बाकी आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये साइकोलॉजी जो छुपी हुई साइकोलॉजी है पीछे, ये आपको आसानी से कहीं नहीं मिलेगी। चाहे आप किताबें छान लीजिए, चाहे आप YouTube छान लीजिए, चाहे आप कोई वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको टूल बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन उसके पीछे जो साइकोलॉजी, जिस तरह से हमारा दिमाग काम करता है, वो हर आदमी आपको नहीं बता सकता। तो इसे लोगों के साथ में शेयर कीजिए और उनकी दुआएं लीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, इसे हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक कीजिए, हम आने वाले दिनों में और सुधार करेंगे अपने कंटेंट के अंदर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ एक बेल का बटन होता है उसको दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। आने वाले दिनों में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।